क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है 10 में से 2 लोग ही अच्छी और बढ़िया और जल्दी बॉडी बना पाते हैं और बिना किसी आर्टिफिशियल्स के। अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया तो भाई आप भी उन 2 लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगी। इसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तो सबसे अच्छी नॉलेज मिली मुझे यहाँ से। इनका नाम है कालीचरण महाराज जी, जो कि सदा सादा सिंपल शाकाहारी भोजन खाते हैं और इनकी बॉडी बिल्कुल सुंदर और बलवान है और मसल्स भी बहुत अच्छे हैं इनकी बॉडी पर। जब इनसे पूछा गया बलवान बनने का रहस्य, तो इन्होंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन भरपूर ब्रह्मांड में जिसके शरीर में बनता है उसको सौंदर्य की प्राप्ति होती है, और जिसका टेस्टोस्टेरोन कम होता है उसको पुरुष शरीर की प्राप्ति होने के बाद भी उसके डोले मसल्स ये सब नहीं बन पाते, उसकी मसल्स का विकास नहीं हो पाता और वो तगड़ा नहीं हो पाता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जिससे मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ वो थी ये, चौड़ा और मोटा होना अलग बात है, तगड़ा होना अलग बात है। ये कहते हैं कि तगड़ा बनो, बलवान बनो। उसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया, वो अब आप ध्यान से सुनना, वो आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। ऐसी चीज़ें खाओ जो कि वीर्य बढ़ाए। जब आप वीर्य बढ़ाने वाले आहार खाओगे तो आप वीर्यवान बनोगे, और वीर्यवान से ही महान बनता है, बलवान बनता है। वीर्यवान बनने के बाद आपके अंदर बल आएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ये सब बढ़ने के बाद आपकी बॉडी का रुख एकदम से बदल जाएगा। फिर जब आप जिम करोगे, दड़ लगाओगे, तब आपकी मसल्स डेवलप होगी और इस टोटल प्रोसेस के बाद ही आपकी मसल्स के विकास का पूरा प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद फिर आपकी डाइट इस तरह काम करेगी, अगर आप ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा कैलरीज लेते हो, पूरा दिन आप खा रहे हो, तो आपका वजन बढ़ेगा, आपका शरीर सुडौल बनेगा, और अगर आप थोड़ा खाओगे आपकी बॉडी में कटिंग आएगी। यही है पूरा प्रोसेस। अब जो 10 में से 2 लोग आप देखते हो जिम में, वो यही ट्रिक फॉलो करते हैं, तब जाकर उनकी दूसरों से बॉडी अलग बन पाती है। और भाई कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो आप देखते हो आर्टिफिशियल लेते हैं, तो भाई जो वो लेते हैं, मतलब जैसे कि वो क्या करते हैं, वो स्टीरोइड लेते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन पे ही काम करते हैं, समझ रहे हो। जब बॉडी बिल्डिंग मतलब कोई भी एकदम से, जब आप देखते हो जिम में कोई एकदम से बॉडी बना लेता है, मसल गेन कर लेता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन पर काम करके ही करता है। वो स्टीरोइड क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन ही तो बढ़ाती है। तो भाई ये नेचुरली किससे बढ़ता है, कालीचरण महाराज जी ने बताया ना, ये नेचुरली उसका सबसे ज़्यादा बढ़ेगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वीर्य होगा। लेकिन आज के समय में कोई ज़्यादा वीर्य बचा नहीं पाता, इसलिए उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ नहीं पाता, इसलिए वो आर्टिफिशियल्स की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आज अगर आप आर्टिफिशियल लेकर बॉडी बना लोगे, पहली बात तो आपकी बॉडी लंबे समय तक टिकेगी नहीं, और टिक भी गई तो भाई 20-30-40 साल के बाद आपको बहुत सारे नुकसान दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जिनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ ना होने का टेस्टोस्टेरोन की कमी। टेस्टोस्टेरोन कम होने का सबसे बड़ा कारण है हस्तमैथुन। इस पॉइंट को आप चाहे आज समझ लो, चाहे कल समझ लो, जितना अधिक वीर्य आपकी बॉडी में बनता चला जाएगा, उतना अधिक आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता चला जाएगा। और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी को आप किसी भी दिशा में लेकर जा सकते हो, उसका रिजल्ट बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। और अगर आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा भी संदेह है, तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें कि मतलब जो ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो कि सबसे ताकतवर मानी जाती है, वो चाहे आपकी नज़रों में, मान लो कोई भी ऐसा फूड है, आहार है, जो आपकी नज़रों में आपको लगता है कि ये सबसे ताकतवर है, तो भाई मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ सबसे ताकतवर मानी जाती है खाने की, उसके अंदर सबसे बड़ा गुण वीर्य बढ़ाने का ही मिलेगा, और इसी कारण से वो चीज़ ताकतवर मानी जाती है। जैसे कि देसी घी, सब बोलते हैं देसी घी ताकतवर है। अब देसी घी में कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई विटामिन नहीं होता, आज के समय में तो लोग उसी चीज़ को पावरफुल मानते हैं जो रिच प्रोटीन होती है, लेकिन देसी घी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, इसमें तो सिर्फ फैट है, कैल्शियम होता है बस, और फिर भी देसी घी सबसे रेयर चीज़ है और सबसे ताकतवर है। अब देसी घी इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, क्या कभी सोचा है? वो इसलिए क्योंकि घी पीने से वीर्य बढ़ता है। ऐसे ही इसके अलावा भरपूर हमारे देश में ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो कि वीर्य बढ़ाती है, जैसे कि अंजीर, अश्वगंधा, जड़ी बूटियाँ, शिलाजीत हो गई, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भर भर कर, और ये रेयर है। कुछ तो ऐसी जड़ी बूटी है भाई जो कि मिलती नहीं, बैन ही कर रखे है सरकार ने, तो भाई आप उन चीज़ें का अगर मतलब सेवन करें, लेकिन तासीर का ध्यान रखें, ठीक है, जो चीज़ें वीर्य बढ़ाती है उनका सेवन आप करो, तासीर का ध्यान रखो। ये नहीं है कि आप बिल्कुल गर्म खा रहे हो, जैसे कि शिलाजीत भरपूर खा रहे हो आप गर्मियों में, तो उससे नुकसान होगा। गर्मियों में गर्म तासीर वाली चीज़ें अगर खाओगे तो भाई वो नुकसान देगी। प्रॉपर तरीके से अपना डाइट प्लान लेकर चले। उसके बाद जो अगला कारण है आजकल के युवाओं की बॉडी ना बनने का, वो है फोकस की कमी, नकारात्मक सोच। आज के टाइम में 10 में से 2 लोग बॉडी बना पाते हैं, तो भाई उन 2 लोगों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि उनकी सोच जो है वो सकारात्मक होगी, उनका फोकस बिल्कुल अच्छा होगा।
इसलिए भाई मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेडिटेशन करो, शरीर तभी बन पाएगा जब दिमाग सही से काम करेगा। पहले के योद्धा हुए, जितने भी हमारे भारत के क्रांतिकारी हुए, वो शरीर को मजबूत करने के साथ साथ एक आदत सबके अंदर कॉमन थी, वो सब योग ध्यान सब किया करते थे और उसी मजबूत दिमाग से वे इतने शक्तिशाली बने। जब आपका दिमाग का फोकस अच्छा हो जाता है और जब फोकस से आप कम काम करते हो उस फोकस के साथ, तो भाई रिजल्ट एकदम से फास्ट हो जाता है। और जब कोई सकारात्मक सोच के साथ काम करता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है बॉडी की ग्रोथ में भी। और क्या आप जानते हो कि सकारात्मक सोच जिसकी होती है, जो पॉजिटिव सोचता है उसका टेस्टोस्टेरोन अधिक बढ़ता है, ये सच है। जो नेगेटिव सोचता है उसका टेस्टोस्टेरोन घटता है। माइंड मसल कनेक्शन इसी को बोलते हैं। जिम के एक्सपर्ट बोलते हैं कि माइंड मसल कनेक्शन बहुत समय बाद बनता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है हर रोज 10 मिनट से ऊपर, उसका माइंड मसल कनेक्शन आराम से शुरुआत में ही बन जाता है। बस उसके बाद जो अगला कारण है वो है पाचन तंत्र की मजबूती। अब मैं आपको इसमें ज़्यादा मतलब वो नहीं बोलूँगा, सिंपल सी एक ही लाइन बोलूँगा जिससे आप आराम से समझ जाओगे। हमेशा आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो आपके पाचन तंत्र के लिए बनी है। जब आप अपनी डाइट में 50% ऐसी चीज़ें खाओगे जो आपके पाचन तंत्र के लिए बनी है, जैसे कि सलाद हो गया और लस्सी हो गई, दही लस्सी हो गई, और भी हल्का भोजन हो गया जैसे कि विटामिन मिनरल्स वाला भोजन हो गया, 4 से 5 लीटर का पानी हो गया, ऐसी चीज़ें डाइट में 50% ऐड करोगे जो पाचन तंत्र के लिए बनी है, तो भाई आपका पाचन तंत्र जो मशीन है वो आपकी डाइट की अकेली चीज़ निचोड़कर आपकी बॉडी में हर चीज़ लगेगी जो पूरा दिन आप ले रहे हो, ठीक है। अब कुछ लोग डाइट तो बांध लेते हैं और लगती पूरे दिन की डाइट में से 50% डाइट है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। ये थी वो चीज़ें जो सबसे अलग बनाती है, जो 10 में से 2 लोगों की बॉडी बनाती है। इस चीज़ों को फॉलो करो, आपकी बॉडी जरूर बनेगी। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।